तो मैं हमारे घर की एक बिटिया से आपको मिलवाता हूँ, आप उसे अक्सर सुनते हैं, वो बहुत लोकप्रिय है। मुझे एक दिन देश के एक बड़े हीरो का फ़ोन आया रात को, कुमार भाई एक वीडियो देख रहा हूँ, उसमें एक बच्ची पढ़ रही है, वो आप उसे वो अपनी भतीजी बता रहे हो, वो आपको चाचा जी बोल रही है। मैंने कहा हाँ, मुझे उसकी कविता अपनी फिल्म के लिए चाहिए। मैंने कहा तू तो कॉमर्शियल फिल्में बनाता है, 100 करोड़ 150 करोड़ की, इसमें क्या काम आएगी। उसने कहा था चले या ना चले मुझे यही वाली कविता चाहिए। तो मैंने कहा किससे गवाओगे, नहीं, उसी की आवाज़ में चाहिए। और फिर कविता की ही आवाज़ में भुज फिल्म में सोनाक्षी पर वो कविता फिल्माई गई, जो आपने देखा होगा, उसमें उसमें इसकी कविता को फिल्माया गया। कविता तिवारी ने हमारे घर को, हमारे वंश को बड़ा मान दिलाया है। और आज आपकी ओर से एक बिटिया ने अपने वंश का, अपने कुल का 100 वर्षों का इतिहास बाँचा कि आपके घर में क्या क्या हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हम दो परिवार साहित्य के, सरस्वती के और लक्ष्मी के मिल रहे हैं, तो मैं अपने घर की लड़की से कहूँ कि तू भी अपने वंश का इतिहास बता। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप कविता का स्वागत। हाँ बेटा आइए, आप तीनों बहुत बैठे, आप समय पर आए, हम जल्दी शुरू हो गए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप नहीं हो जाता है कई बार, बैठे। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, वृषभान दुलारी के कृपा पात्रों को आप सबको बहुत नमन करती हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ। मेरी बहन ने अपने परिवार का एक 100 वर्षों का इतिहास रखा और आदरणीय चाचा जी ने मुझे आदेश दिया है। मैं 4 पंक्तियाँ आप तक पहुँचा रही हूँ, कुछ और पढ़ना चाहती थी, लेकिन जैसा मुझे आदेश हुआ है, मेरा अंदर भीतर से मन है कि वो पंक्तियाँ आप तक पहुँचाऊँ। स्वागत है बेटा। और ये बहुत सुखद संयोग है कि हम भी कवि सम्मेलनीय यात्रा के 100 वर्ष मना रहे हैं। कवि सम्मेलनीय समाज अपना 100 वर्ष पूरा कर चुका है। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं, हम भी अपनी यात्रा बताना चाहते हैं। मनुजता पल्लवित पोषित सृजित परिणाम कविता है। मनुजता पल्लवित पोषित सृजित परिणाम कविता है, धारा को धाम करने में परम निष्काम कविता है। धारा को धाम करने में परम निष्काम कविता है। विवेचक सत्य से लेकर समझ ले तथ्य की भाषा, श्लोक से मंत्र तक की यात्रा का नाम कविता है। श्लोक से मंत्र तक की यात्रा का नाम कविता। वाह बेटा। और मैं अपने मन की बात जो मैंने लिखी है वो आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। अभी हमें पता चला कि आप सब मानसिक रूप से भी ब्रजवासी हैं। मैं 4 पंक्तियाँ आप तक पहुंचा रही हूँ, जो मैंने अपने जीवन में, एक छोटे से जीवन में अनुभव किया, वो बात आप तक पहुंचा रही हूँ। स्वागत है बेटा, स्वागत है। निपट, यदि आपने भी वो अनुभव किया हो तो आपकी प्रतिक्रिया मुझे बताएगी, मैं पंक्तियाँ समर्पित कर रही, सुने। निपट एकल विकल की नाव बिन पतवार खेता है। निपट एकल विकल की नाव बिन पतवार खेता है, भुवन भावन की महिमा है कि जो निष्काम देता है। भुवन भावन की महिमा है कि जो निष्काम देता है। विकट स्थिति का सागर या कि षड्यंत्रों का दलदल हो, मैं जब भी डूबने लगती वो मुझको थाम लेता है। मैं बुलवा के बिहारी लाल की, वो मुझको थाम लेता है। और 4 पंक्तियां डूबने लगती, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ गुनगुनाएंगे, क्योंकि मैं आपके भाव को जानती हूं। पंक्तियां समर्पित कर रही हूं, सुनेगा। हाँ बेटा। अपने जीवन की नैया को भक्ति भाव से ही खेना, कहीं नहीं पढ़ती हूं, आप सबके बीच में पढ़ रही हूं। आपके मन की बात हो गई हो तो मुझे आदेशित कीजिएगा, मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं, सुनेगा। अपने जीवन की नैया को भक्ति भाव से ही खेना, जिसे बिहारी मिल जाए उसको दुनिया से क्या, जिसे बिहारी मिल जाए उसको दुनिया से क्या लेना। मन में हो संदेह कोई भी
खुद में भर विश्वास, वहां बस राधे राधे कह देना, राधे राधे कह देना, राधे राधे। इसे बिहारी मिल जाए बेटा, वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। हम देश की राजधानी में रहते हैं, स्वतंत्रता सबको प्राप्त है, आजादी का अमृत महोत्सव भी हम मना रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी सबको है, कहीं हम देखते हैं कि उसका अतिक्रमण होने लगता है और किसी को अभिव्यक्ति ही नहीं मिलती। ऐसे में एक प्रश्न खड़ा होता है कि इस आजादी का मतलब क्या है। बिल्कुल नया गीत आप तक पहुंचा रही हूं, बहुत मन, कई बार ऐसा मन होता है कि मैं आदरणीय चाचा की उपस्थिति में ये गीत पढ़ूं, लेकिन वो मानस नहीं मिल पाता। आज आपने मुझे वो मानस दिया है तो मैं हिम्मत कर पा रही हूं कि आजादी का मतलब क्या है। स्वागत है बेटा, पढ़ो। एक बार तालियां बजा देंगे तो मुझे हिम्मत मिल जाएगी। सुनेगा, बहुत अच्छे बेटा, पढ़ो। भीड़ बहुत है, शोर गजब है, भीड़ बहुत है, शोर गजब है, सारी दुनिया बड़ी अजब है, एक दूसरे से सब पूछे आजादी का क्या मतलब है, आजादी का क्या मतलब है, आजादी का क्या मतलब है। जान लिया, मान लिया, खूब पहचान लिया, फिर भी ये जानकारी कुछ तो अधूरी है। जान लिया, मान लिया, खूब पहचान लिया, फिर भी ये जानकारी कुछ तो अधूरी है। सबकी स्वतंत्रता में परतंत्रता का भान, कहते मिले हैं लोग आस नहीं पूरी है। भीष्म के समान तप, भगीरथ जैसा प्रण, विकट प्रयास करना बड़ा जरूरी है। सिर्फ मंच के लिए न लेखनी उठाई मैंने, उत्तर तलाशना हमारी मजबूरी है, उत्तर तलाशना हमारी मजबूरी है। राग द्वेष सब में तगड़ा है, जो हम दुख महसूस करते हैं, राग द्वेष सब में तगड़ा है, गोरे काले का झगड़ा पूरे विश्व में देखिए, राग द्वेष सब में तगड़ा है, गोरे काले का झगड़ा है। जिसने जब भी मौका पाया घात लगा करके रगड़ा है, तेरा मेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, तेरा मेरा, ये मसला उठता जब तब है, आजादी का क्या मतलब है, आजादी का क्या मतलब। बेटे बहुत अच्छी कविता उठाई, वाह वाह वाह। जाति भाषा, जाति भाषा, रंग संप्रदाय वाद को नकार, मुक्त करें दाढ़ी और केश की स्वतंत्रता। जो आज जरूरत है, मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। जाति भाषा रंग संप्रदाय वाद को नकार, मुक्त करें दाढ़ी और केश की स्वतंत्रता। यदि सब लोग एक राह पे चलेंगे नहीं, व्यर्थ होगी दर्जा विशेष की स्वतंत्रता, व्यर्थ होगी दर्जा विशेष की स्वतंत्रता। अलगाव को मिटा के किसी भांति लाई जाए प्राणियों में श्रेष्ठ परिवेश की स्वतंत्रता। परतंत्रता की हार हर रोज होती रहे, बनी रहे हर एक देश की स्वतंत्रता, बनी रहे हर एक देश की स्वतंत्रता। सीमा पर गोलाबारी है, युद्ध निरंतर ही जारी है, सीमा पर गोलाबारी है, युद्ध निरंतर ही जारी है। कहीं जातियों में टकरा हट, कहीं बिगड़ बैठा मजहब है, आजादी का क्या मतलब 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 है। और क्षमा के साथ पढ़ रही हूँ, ये आजादी देखने को कहाँ मिलती है। रंग रंग के अनेक झंडे हैं दिशा दिशा में, देखी गई खूब तामझाम की स्वतंत्रता, तामझाम की स्वतंत्रता। रंग रंग के अनेक झंडे हैं दिशा दिशा में, देखी गई खूब तामझाम की स्वतंत्रता। खंजर छुपाए हुए एकता के गीत गाए, बची रही सिर्फ इंतकाम की स्वतंत्रता। खंजर छुपाए हुए एकता के गीत गाए, बची रही सिर्फ इंतकाम की स्वतंत्रता। मिलने न पाए दिल, सिलने न पाए जख्म, मिलने न पाए दिल,
दिल ने ना पाए जख्म, अल्लाह की कहीं है कहीं राम की स्वतंत्रता, अल्लाह की कहीं है कहीं राम की स्वतंत्रता, परतंत्रता की खाई यदि नहीं रोकी गई, बोलो फिर बोलो किस काम की स्वतंत्रता, बोलो फिर बोलो किस काम। कविता, वाह 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 वाह, एक बार दोनों हाथ उठा के तालियां बजाइए, वाह वाह बेटा वाह। मेरे भाई ने, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। क्या बोलो, पे हाथ फिर, बोलो फिर किस काम की स्वतंत्रता, चेहरा विकट घिनौना दिखता। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणियां नहीं किया करती हूँ, यदि आपको किसी का चेहरा दिख जाए तो आप सबका आशीर्वाद मिले। चेहरा विकट घिनौना दिखता, जीवन एक खिलौना दिखता, जीवन एक खिलौना दिखता, चेहरा विकट घिनौना दिखता, किसी धर्म वाले अंधे को, किसी धर्म वाले अंधे को संविधान तक बौना दिखता, किसी धर्म जिंदाबाद, धर्म वाले संविधान तक बौना दिखता, राह नहीं भूला है फिर भी सतपथ को अपनाता, कब है आजादी का क्या मतलब है, आजादी का क्या मतलब है, आजादी का क्या मतलब है, आजादी का क्या मतलब है। 24 कैरेट कविता, बस अंतिम बंद आप तक पहुंचा रही हूं, शायद समाधान हो। जीती रही है, जीती रही है। ज्ञान गुण वाले अश्व तपनिष्ठ हो के चले, ऐसे शुभ रथ मच जाए ये स्वतंत्रता। ज्ञान गुण वाले अश्व तपनिष्ठ हो के चले, ऐसे शुभ रथ मच जाए ये स्वतंत्रता, लोग एक दूसरे को जाने माने आगे बढ़े, शायद सभी को पच जाए ये स्वतंत्रता, शायद सभी को पच जाए ये स्वतंत्रता। वर्तमान को सहेज लीजिए भविष्य हेतु, इतिहास ऐसा रच जाए ये स्वतंत्रता, धधक रही बारूद वाले ढेर पर बैठ, कुछ भी करो कि बच जाए स्वतंत्रता, कुछ हाय 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 हाय, करो ये बच जाए। और एक बहुत कड़वा कड़वी पंक्ति पढ़ के अपना समापन कर रही हूं, मुझे आशीर्वाद दे दीजिएगा, मुझे हिम्मत दे दीजिएगा। मुल्ला पाड़े लड़ जाते हैं अपनी जिद पर अड़ जाते हैं, मुल्ला पाड़े लड़ जाते हैं अपनी जिद पर अड़ जाते हैं, फूल सरीखी बातों वाले शूल सरीखे गड़ जाते हैं, ये भी नहीं समझ पाते हैं, वही राम है वो ही रब है, आजादी। वाह वाह, क्या बात है मेरा भाई, अरे अरे वाह वाह भाई, दोनों हाथ, वाह 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 वाह।